कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ना मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और ये देखिए, मैंने नहा लिया है अभी, और आज ना मैंने ये वाला सूट पहना है, तो मुझे बताना कैसा लग रहा है। और तो आप सभी कैसे हैं? और हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो अभी ना कोहरा है। और तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, तो अभी चाय वगैरह कुछ नहीं बनी है क्योंकि हस्बैंड है नहीं है घर पर, पति देव, और वो चले गए हैं बाहर। तो मैंने कहा अभी मैं नहा धो करके ही चाय बनाऊंगी अपने लिए। तो चलिए पहले मैं स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बहुत ठंडे हाथ हैं, सर्दी बहुत लग रही है। और इनको देखो, पहले कैसे पानी दे रहे हैं, ये देखो, ये देख सकते हैं, देखो जैसे सलाइन देते रहते हैं। तो अभी चलते हैं किचन में, पानी ले लेती हूँ थोड़ा सा चाय बनाने के लिए। ये अभी ना गरम भरा हुआ है, तो अभी चलते हैं किचन पे। तो पानी रख दिया गर्म होने के लिए चाय के लिए। और अभी देखिए जो है, तो ये चने का साग रखा हुआ है, और इसके मैं बनाऊंगी पराठे। और इतनी रखी है मेथी आलू, तो ये रोटियों के साथ मैं खाऊंगी, खाएंगे अभी सभी लोग, बच्चे और मैं। और इसके बनाएंगे पराठे थोड़ी से, क्योंकि थोड़ी से ही है। तो चलिए चाय बना लेती हूँ पहले। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर सिल में पीस रही हूँ चटनी, और मुझे बनाने हैं चने के साग के पराठे। तो इसमें मैंने लहसुन अदरक और खड़ी धनिया और लाल मिर्च डाली है साबुत, और नमक डाला है, और हरी मिर्च भी 2-3 डाल दी थी। और ये ना लाल मिर्च जो है, तो ये तीखी वाली हैं, तो मैंने कहा इनको चटनी में पीस लेती हूँ, तो ये अच्छी लगेंगी खाने में, मतलब पराठे अच्छे लगेंगे खाने में, और चटनी अगर पीस के डालो तो। और जो मैं खड़े मसाले डालूंगी तो उसमें फिर ज़्यादा टेस्ट नहीं आता, और लहसुन वगैरह कट करने में। तो अभी देखिए यहाँ पर मेरी चाय पक रही है, और मैं अदरक को कूट करके डाल देती हूँ चाय में। और ये देखिए जो है, तो गाजर रखी है, तो मैं साथ में गाजर भी खाती जा रही हूँ, तो आप लोग भी आइए गाजर खाने के लिए। और सर्दियों में तो हरी सब्जियाँ बहुत सारी आती हैं और सस्ती भी आती हैं, और ये सारी चीज़ें जो है तो गर्मियों में बहुत कम मिलती हैं, महंगी भी मिलती हैं। तो आप लोग भी जितनी जितना हो सके उतना सब्जियों का लुत्फ़ उठाइए। और ये देखिए, तो मैं भी खा लेती हूँ गाजर, और आपको भी खिला रही हूँ, आप लोग भी आइए और आप लोग भी खाइए। तो यहाँ पर देखिए चने का साग इतना रखा है, तो कल बनाया था दोपहर में, तो दोपहर में हम लोगों ने खा लिया था, बाकी ये बच गया था 1 कटोरी के लगभग। तो मैंने कहा इसके पराठे बना लेती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसका ना मैंने वॉइस ओवर कर दिया था, क्योंकि बच्चे थे तो इसमें ना शोर होता, हल्ला मतलब शोर सुनाई दे रहा था, मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इसका वॉइस ओवर कर दिया। और अभी मैं डाल देती हूँ चटनी, और ये देखिए, तो इसके पराठे आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ऐसे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग अगर ना बनाए हो तो बनाना ज़रूर चने के साग के पराठे। और तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। जो भी मेरे चैनल पे भाई बहन न्यू आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मैं भी आप सभी का मतलब सपोर्ट करूंगी। तो अभी चलिए मैं आटा लगा लेती हूं, और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा वीडियो 1 महीने तक नहीं आए हैं शायद, क्योंकि ना मेरा फ़ोन ख़राब था, तो इस कारण से आपको मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूं। तो चलिए फिर मैं आटे को मतलब लगा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बालों में डाला था तेल, तो ये बाल ना मेरे बिल्कुल चिपके हुए हैं सर में, और जब भी मैं तेल डालती हूँ बालों में तो मैं खूब सारा डाल लेती हूँ, ताकि बाल अच्छे रहें। और तो अभी देख सकते हैं आप लोग, आटा मैंने लगा लिया है, और मुझे ना शायद लग रहा है कि परोथन का आटा जो है तो ज़्यादा है, तो मैं इसे ना प्लेट में निकाल लूँगी। और यहाँ पर रखी थी चम्मच, तो मैं ये रख दी हूँ चम्मच, और ये प्लेट में जो परोथन है, तो इसे निकाल करके मैं उसी टंकी में डाल दूँगी जिसमें आटा रखा हुआ है।
ये देखिए, तो अभी जो है तो चाय मेरी बन चुकी है और अभी मैं रख दूंगी तवा गरम होने के लिए। ये देख सकते हैं चाय मेरी पक गई है। और सॉरी, कभी कभी ना बोलने में ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये दो नई न्यू प्लेट ली थी, तो मैं आपको दिखा रही थी। तो अभी जो है तो यहाँ पर भतुआ बेचने वाले आए हैं दाई, तो मैं इनसे ना भतुआ ले रही थी। तो ये बोल रही थी इतना का होगा मतलब पावर, तो मैंने कहा हो जाएगा क्योंकि हम तीन ही इसके लोग हैं बनेंगे अभी। पराठे। तो ये देखिए, तो मैंने पावर भतुआ जो है तो ले लिया है, अभी चलते हैं किचन में। 250 ग्राम। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन पे और अभी बनेंगे पराठे। तो मेरा तवा जो है तो गरम हो गया, ये देख सकते हैं धीमी आंच में मैं रख गई थी। और भतुआ लेकर आई तो तुरंत फिर मैंने हाथ वॉश किए भतुआ रखने के बाद, और इसके बाद फिर मैं पराठे बनाने में लग गई। और भतुए को भी मैंने धुल करके ही रख दिया है। कैमरा उतनी टाइम मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि ना ऐसा हो जाता है वीडियो फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ों में काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं ना। तो ये देखिए, और इन पराठों को मैं बेल के अच्छे से, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। इनमें अदरक और लहसुन पड़ जाती है तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा अगर आप लोगों ने ना बनाए हो, और कौन कौन बनाता है मुझे ज़रूर बताइएगा कि चने के साग के पराठे। और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो रोटियों वाला टिफिन रखा है उसके ऊपर रखे हैं पाव, तो बच्चों ने सुबह ले लिए थे चाय के साथ में खाने के लिए, पर मैं सोच रही हूँ पराठों के साथ ही अब चाय पियेंगे, कल खा लेंगे या शाम को चाय के साथ हो जाएंगे पाव। वैसे भी तो सुबह होंगे, शाम को कौन खाता है, मतलब ये सब चीज़ें दिन में ही खाई जाती हैं ताकि ये अच्छे से मतलब डाइजेस्ट हो जाए। तो अभी देखिए, यहाँ पर पराठे को मैं सेक देती हूँ और आपको मैं पास से ही दिखा रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, और चाय मेरी ठंडी हो चुकी है। तो अभी ना मैं इसे गर्मा दूंगी जब हम लोग पियेंगे, और तब तक मैं ये इनको पराठे सेक लेती हूँ। और दोपहर में ही जो अभी आलू मेथी का साग भी रखा हुआ है ना, तो उसे दोपहर में मैं रोटियाँ सेकूंगी दो चार, तो फिर उसमें हम लोग खा लेंगे क्योंकि अभी पराठे नाश्ते में हो जाएंगे। तो वैसे भी सर्दियों में इतनी जल्दी भूख कहाँ लगती है, और सब्ज़ी वगैरह भी ख़राब नहीं होती है, तो इस वजह से मैं दोपहर में ही रोटियां सेक लेंगे। और अभी तो ये नाश्ते के लिए फ़िलहाल पराठे काफ़ी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इनको बना लेती हूँ अभी इसी तरीके से, और सभी लोग इसी तरीके से ही बनाते होंगे। मैं तो आपको बता रही हूँ मैं किस तरीके से काम करती हूँ, बस यही है। तो चलिए मैं पहले सेक लेती हूँ इनको और फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। तो ये देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आकृति और मेरे बच्चे जो हैं, तो ब्रश करके दोबारा मैंने उनको लिटा दिया है क्योंकि ना अब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, धूप बिल्कुल से भी नहीं निकल रही। तो मैंने कहा मैं अभी नाश्ता तैयार करती हूँ, फिर आप दोनों उठ के आना और फिर ये खा मतलब नाश्ता करना। तब तक मैं यहाँ पर देखिए पराठे जो हैं तो मेरे बन चुके हैं, और अभी ये केचप है। और बच्चों को ना चटनी वगैरह में पराठे ये सब चीज़ें मेरे बच्चे नहीं खाते चटनी, तो मैं इन्हें ना केचप में ही पराठे वगैरह देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना तो दोस्तों आप लोग कि भी आ रहे हैं, ये हरी देखिए सब्जियाँ बहुत पराठे कम ही खाते हैं, और बहुत ये कम सॉस बच्चे होंगे जो और खाते चाय होंगे, के साथ क्योंकि आप मेरे लोग भी बच्चे ना सिर्फ खाइए। उन्हें बस आलू ये बस ज़्यादा देखिए फिर पसंद है, अभी हम दाल। लोग जा रहे हैं खाने के लिए, तो ये लो आप लोग खाइए और साथ में है चाय। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए तो कितने अच्छे पराठे दिख रहे हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और सच में बहुत अच्छे बने भी थे। ऐसी कोई बात नहीं मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत अच्छे बने भी थे। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पर चाय और मतलब पराठे खा रहे हैं, तो आप लोग भी आइए। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड होते भी हैं, तो वो कौन सा कैमरे में आते हैं, क्योंकि किसी किसी को पसंद नहीं होता है कैमरे में आना, और मैं भी नहीं, जिसको पसंद नहीं है तो मैं उनको कैमरे में लेकर भी नहीं आती हूँ, क्योंकि हम बिना मर्जी के किसी के क्यों लेकर आए हैं ना, अच्छी बात थोड़ी ना है किसी को कैमरे में ज़बरदस्ती दिखाएं। तो अभी देखें यहाँ पर मैंने बर्तन धुले हैं जो नाश्ता वगैरह के थे, और अभी जा रही हूँ छत पर कपड़ा डालने के लिए। तो जो मैंने नहाया था तो मेरे कपड़े बस है, तो मैं इनको सुखा देती हूँ और डाल देती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है,
ये देखिए एक भी धूप नहीं निकल रही है, 7-8 दिन हो गए और इतनी सर्दी में ना बहुत मुश्किल पड़ता है ठंडे पानी में काम करने में। और एक जैसे एक बार मोटर चला लो उसके बाद फिर दोबारा कौन भरता है, उसी में ही खर्च हो जाता होता रहता है, क्योंकि ना सर्दियों में ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बच्चे खेल रहे थे, तो वही दिखा रही थी आपको इतनी सर्दी में। तो दोस्तों अभी आई हूँ नीचे और यहाँ पर देखिए आग जला रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो यहाँ पर अभी जला लेते हैं आग। और कैमरे में ना अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, क्योंकि ना वहाँ से जो मेन गेट है वहाँ से उजाला आ रहा है, नेचुरल लाइट आ रही है, तो इस वजह से कैमरा ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। तो अभी मैं सामने से आपको दिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों अभी हो गई है इवनिंग और इवनिंग के ना शाम के 7 बज चुके हैं। तो अभी मैं करने जा रही थी वीडियो का एंड। तो यहाँ पर देखिए आलू रख दिए हैं उबलने के लिए और अभी मैं बना रही हूँ दम आलू। तो ये मिलेगा अगली वीडियो में आपको ये वाली रेसिपी। तो चलिए आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए तो फिर मिलूंगी कल, बाय।